लड़कियां बालिक है, मालिक है सभी लड़कियां बालिक हैं प्रथम दृष्टया। आगे की चीजें वहाँ मेडिकल और डॉक्यूमेंट्री पर्पज से प्राप्त होंगे। अभी चूंकि लड़कियां दूर की हैं, हमारे पास नए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है जो प्रथम दृष्टया देख के लगता है, ऐसा लगता है कि वो बालिक है। होटल मालिक की क्या है भूमिका? होटल मालिक की पूरी चीजों का आप कह सकते हैं कि संचालक है, वो पूरी चीज का अरेंजमेंट्स करना, पिम से इन टच रहना, रूम्स प्रोवाइड करवाना, रूम्स में ही वो कार्य होता था, और ये सारी प्रक्रिया के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि हर चीज का सूत्रधार होटल मालिक या होटल मैनेजमेंट। क्या नाम है? नहीं, होटल मैनेजमेंट। क्या नाम है सर मालिक का? होटल मैनेजमेंट का नाम है विवेक पांडे। विवेक पांडे यही मैनेजर जी। सर, लड़कियों ने क्या कभी इसका विरोध नहीं किया या कोई कभी शिकायत वगैरह कभी इस तरीके से जो हो रहा है? लड़कियों के केस में जो हम लोगों से पूछताछ हुआ, बताया कि उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की है, लेकिन कभी वो किसी पुलिस या किसी ऐसी एजेंसी के पास नहीं पहुंच पाई है। चूंकि ये चीजें फास्ट मूविंग टाइप होता है, लड़कियां लाई जाती हैं, दो तीन दिनों में जो काम होता है होता है, उसके बाद फिर वापस वहीं पर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं उनकी। और लड़कियां इस एज ग्रुप की भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा उम्र की लड़कियां नहीं है, हाँ बालिग है, 23-24 साल की लड़कियां हैं। हमारे पास जो लड़कियां आई, जो हमारी पूछताछ हुई, उससे किसी ने ये बात नहीं रिवील की वो किसी एजेंसी के पास या उन्होंने अपने घर में कभी बताया। अभी तक जो बातें हमारे पास हैं वो यही आई है। इस पर भी हमारे पास सूचना प्राप्त होगी, हम सभी ऐसे एजेंसियों पे और सभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे एक्ट करेंगे। बिल्कुल अगले 2-3 महीनों में हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि इस पूरे क्षेत्र को इस तरह की एक्टिविटीज से मुक्त करवा दें। विदेशी लोग भी मिले हैं? अभी फिलहाल नहीं मिले। सर, अब तक की जो बातचीत हुई होगी, क्या लगता है कितनी लड़कियों का अब तक लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर चुके हैं? नहीं, बहुत डिटेल्स पहले के हमारे पास, आप इसको पीछे के बहुत सारे डिटेल्स हमारे पास फिलहाल नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है। जितने डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं उससे अभी जो हमने रेस्क्यू किया है वो यही है, और भी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसके लिए हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक सर, थैंक यू सर।